आज बैकलॉग कैसे कवर करते हैं? ऐसे कई सारे बच्चे जिसमें बैकलॉग होता है, प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाता है प्रॉब्लम आने लग जाती है कि पहले का पढ़ेंगे अभी का छूट जाएगा, अभी का पढ़ेंगे पहले का बैकलॉग बढ़ता जाएगा। और बैकलॉग क्या है ना, जितना बैकलॉग पुराना होता है उसका टेंशन उतना बढ़ जाता है। किसी चैप्टर की थियरी कर रखे तो क्वेश्चन नहीं करे, किसी का क्वेश्चन कर रखे तो, और किसी के ना थियरी करिए ना सर, हम बेस्ट है ना, थियरी करते हैं ना क्वेश्चन, टेंशन ही नहीं पालना। आप जो रेगुलर रोज पढ़ रहे हो पहले उसको सिस्टमेटिकली पढ़ो, रोज 1 से 2 घंटे बैकलॉग के लिए निकालो। बैकलॉग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर करा जाता है। पहले जो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट लगते हैं आपको, जैसे अगर आपको इजी जूलॉजी लगता है, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी टॉपिक हो सब्जेक्ट का, बैकलॉग के सारे टॉपिकों को पहले एक जगह पे लिख लो। अच्छा, आधा टाइम तो कई बार ये सोचने में चला जाता है कि यार कौन सा चालू करे, क्या करोगे, रैंडम आग बंद करो, पेन से कहीं भी गोला मार दो, जो टॉपिक आया ये पहला बैकलॉग इसका कवर करेंगे। बैकलॉग में एक टॉपिक एक सब्जेक्ट ही चलना चाहिए। जब एक टॉपिक एक सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा फिर अगला टॉपिक आएगा। बैकलॉग हमेशा कैसे कवर करते हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कभी पूरा बैकलॉग एक साथ कवर करा नहीं जाता।